नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानपुर भ्रमण के दौरान कोई ज्ञापन या धरना प्रदर्शन नहीं हो, इस कारण कानपुर प्रशासन ने आर्य नगर से समाजवादी विधायक अमिताभ वाजपेयी को पुलिस ने उनके आवास पर किया नजरबंद। इसके साथ ही कुछ अन्य विरोधियों को हाउस अरेस्ट में किया। दिनांक 9 दिसंबर 2022 को विधायक अमिताभ वाजपेयी द्वारा विधायक कृपान सोलंकी प्रकरण एवं शहर में फैल रहे डेंगू की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मच्छरदानी भेंट करेंगे। एक बार फिर जब कानपुर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ है तो मेरे घर पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्थाएं अनुचित हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। हम विपक्ष के विधायक हैं तो भी हम अपनी बात तो कहना ही चाहते हैं। कानपुर में हमारी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी पे लगातार अत्याचार हुआ है। पुलिस झूठी कहानियां गढ़ के, झूठे सबूत गढ़ के विधायक को खत्म करने की सुपारी लेकर के आई हुई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षण करना चाहते थे और कानपुर में फैला हुआ डेंगू है, इससे बचत के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मच्छरदानी भेंट करना चाहते थे, पर पुलिस का पैरा है। जल्दी ही योजना बना करके पूछ की तैयारी करते हैं। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए यूएफटी लाइव टीवी।